हेलो अरुण, आई होप अभी तक हमने जितना पढ़ा है मैकेनिक्स में वो आपको समझ आया है और आप साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। चलिए मैकेनिक्स को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। आज हम पढ़ेंगे प्लेन ट्रसेस, और प्लेन ट्रसेस में मेजरली दो ही पार्ट हैं, एक तो मेथड ऑफ जॉइंट और एक मेथड ऑफ सेक्शन। दोनों ही बहुत ईजी है, एक मामूली सा कॉन्सेप्ट है, बस वो मैं बता दूंगा। मेथड ऑफ जॉइंट में एक कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट मेथड ऑफ सेक्शन में है। हाँ, इस चैप्टर का बेसिस जो बनता है वो बनता है उससे जो आपने पिछले कुछ लेसन्स में पढ़ा था, मोमेंट्स और रिएक्शंस, सपोर्ट टाइप्स ऑफ बीम्स, और ये सब हमने जो पढ़ा था उसका बेसिक्स थोड़ा सा यूज़ होगा। अगर वो आपको समझ आया होगा तो इसमें कोई इशू नहीं आएगा, इसमें तो बहुत ही चीज़ें ईजी हैं। 10-15 मिनट ध्यान से सुनेंगे तो मेथड ऑफ जॉइंट एकदम क्लियर हो जाएगा, और इसके नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम लेंगे मेथड ऑफ सेक्शन। देखिए, प्लेन ट्रसेस देखते क्या होता है। ट्रसेस इज अ रिजिड स्ट्रक्चर इन विच ऑल द मेंबर्स आर सब्जेक्टेड टू आइदर एक्सल टेंसाइल और एक्सल कंप्रेसिव लोड ओनली, कंप्रेशन और टेंशन, वो भी एक्सल डायरेक्शन में। इसके अलावा कोई भी फोर्सेस किस उस ट्रस में जो हम पढ़ेंगे उसमें नहीं होता है, जो हमारे सिलेबस में, उन ट्रसेस में कोई भी इसके अलावा फोर्सेज नहीं होंगे। या तो एक्सल लोड होगा या फिर एक्सेल टेंसाइल होगा या फिर कंप्रेसिव होगा। बेंडिंग मोमेंट इज जीरो एवरीवेयर इन द स्ट्रक्चर, पूरे स्ट्रक्चर में हर जगह बेंडिंग मोमेंट जीरो रहेगा, क्योंकि यहाँ हम सारे पिन जॉइंट यूज़ करते हैं, हिंज टाइप के जॉइंट यूज़ करते हैं। अब हिंज टाइप के जॉइंट है तो डेफिनेटली वहाँ वो बेंडिंग मोमेंट सपोर्ट नहीं करेगा। तो स्ट्रक्चर कुछ इसी तरीके से बनाया जाता है कि उसमें जितना लोड आ रहा है वो सारा एक्सेल कंप्रेसिव होता है या फिर एक्सेल टेंसाइल लोड होता है। और देखिए, कंडीशन ऑफ ट्रसेस, ऑल द मेंबर शुड बी पिन जॉइंटेड और हिंज्ड ओनली। इसके अलावा कोई और जॉइंट आया तो डेफिनेटली मोमेंट आ जाएगी, और मोमेंट आ जाएगी तो फिर वो हमारे ट्रस से बाहर हो जाएगा, अपने सिलेबस से भी बाहर हो जाएगा। लोड शुड बी अप्लाइड एट द जॉइंट्स ओनली। देखिए, कई क्वेश्चन में कई बार वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड दे देगा या फिर यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड भी देता है, तो उसको जिस भी मेंबर पे वो लगा हुआ है उस मेंबर के दोनों एंड पे शिफ्ट कर देंगे पॉइंट लोड। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसको हाफ हाफ शिफ्ट कर देंगे, अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, यूनिफॉर्मली वेरिंग टाइप का लोड है, तो उसका सेंटर ऑफ एप्लीकेशन निकालेंगे, वहां से फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे दोनों पिन जॉइंट पे, एक्सट्रीम एंड जो मेंबर का होगा। ओनली कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड शुड बी अप्लाइड, मतलब फाइनली पॉइंट लोड होगा उसके बाद हम कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। देखते हैं टाइप्स ऑफ प्लेन ट्रस। एक होता है स्टेबल, परफेक्ट या डिटरमिनेंट जिसको बोलते हैं। इसमें m इज इक्वल टू 2j-3 होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम जीरो होता है। देखिए, m यहाँ पे नंबर ऑफ मेंबर है, जितने भी अपने बार रोड्स वगैरह ये सब यूज होंगी। j नंबर ऑफ पिन्स है, नंबर ऑफ पिन इसलिए बोला है क्योंकि ओनली वन इज काउंटेड वेदर इट इज़ अ बाइनरी जॉइंट और अ टर्नरी जॉइंट। मतलब जैसे हम थ्योरी ऑफ मशीन्स में डिग्री ऑफ फ्रीडम जब निकालते हैं तो उस टाइम हम जो टर्नरी जॉइंट होता है उसको दो बाइनरी जॉइंट के इक्विवेलेंट लेते हैं, बट यहाँ जे का मतलब है कि नंबर ऑफ पिन। अब उस पिन पे चाहे आपके दो मेंबर जुड़ रहे हो, चाहे तीन जुड़ रहे हो, चाहे चार जुड़ रहे हो, उसको एक ही जॉइंट काउंट करेंगे। सेकेंड इज अनस्टेबल, इनपरफेक्ट और कोलेप्सिबल, मतलब कि डिग्री ऑफ फ्रीडम ग्रेटर देन जीरो है, एम इज लेस देन 2j-3। एंड थर्ड इज इनडिटरमिनेट फॉर्म, जिसमें m विल बी ग्रेटर देन 2j-3, डिग्री ऑफ फ्रीडम लेस देन जीरो, मतलब नेगेटिव डिग्री ऑफ फ्रीडम इसमें आ जाएगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम का सिंपल सा मतलब है कि जीरो, इसका मतलब हमें कोई भी इनपुट नहीं देना, स्ट्रक्चर एकदम स्टेबल रहेगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम वन का मतलब हमें कि एटलीस्ट एक इनपुट हमें देना पड़ेगा ताकि स्ट्रक्चर का आउटपुट डिफाइंड हो जाए। ये कि ये थ्योरी ऑफ मशीन्स में इनके बारे में हम पढ़ेंगे। और लेस देन जीरो का मतलब है कि वो इनडिटरमिनेट फॉर्म है, कुछ रिडंडेंट स्ट्रक्चर्स, कुछ रिडंडेंट बार वगैरह सब लगी हुई हैं। चलिए देखते हैं आगे। मेथड ऑफ जॉइंट, देखिए मेथड ऑफ जॉइंट और मेथड ऑफ सेक्शन दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। हम हर क्वेश्चन में मेथड ऑफ जॉइंट से भी कर सकते हैं और हर क्वेश्चन मेथड ऑफ सेक्शन से भी कर सकते हैं। हम दोनों मेथड पढ़ेंगे बिकॉज कुछ क्वेश्चंस में मेथड ऑफ जॉइंट इजी रहता है, कुछ क्वेश्चन में मेथड ऑफ सेक्शन इजी रहता है। दोनों कॉन्सेप्ट आप पढ़ लेंगे, उसके बाद जैसे क्वेश्चन देखेंगे
तो देखते पहचान जाएंगे कि इसमें मेथड ऑफ जॉइंट ज़्यादा जल्दी और एक्यूरेसी के साथ हो जाएगा या फिर मेथड ऑफ सेक्शन ज़्यादा जल्दी और एक्यूरेसी के साथ हो जाएगा। जिससे ज़्यादा जल्दी आंसर आ जाएगा वो मेथड हम यूज़ किया करेंगे जब हम टेस्ट सीरीज देंगे या फाइनल एग्जाम देंगे। चलिए देखते हैं मेथड ऑफ जॉइंट्स। कॉन्सेप्ट जो यूज़ होता है इसमें वो है इक्विलिब्रियम ऑफ पॉइंट इज कंसिडर्ड इन मेथड ऑफ जॉइंट। मतलब कि सिंपल है, जो हमने लेमीज इक्वेशन पढ़ी थी वो हम यूज़ करेंगे अगर तीन मेंबर आके ज्वाइन कर रहे हैं, तीन फोर्सेस ज्वाइन कर रहे हैं, या फिर सिंपल है एक एक जॉइंट को बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, जॉइंट का इक्विलिब्रियम अगर है, किसी पॉइंट का इक्विलिब्रियम देखना है, तो सारे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस बराबर कर दो और सारे वर्टिकल फोर्सेस बराबर कर दो, खत्म। दो ही चीज़ करनी है। फाइंड द सपोर्ट रिएक्शंस इफ रिक्वायर्ड, सपोर्ट रिएक्शंस निकाल लो अगर ज़रूरत पड़ रही है तो। सपोर्ट रिएक्शन हम ऑलरेडी निकालना सीख चुके हैं। कंसिडर द इक्विलिब्रियम ऑफ अ जॉइंट वेयर ओनली टू अननोन मेंबर आर मीटिंग। देखिए अगर दो से ज़्यादा अननोन हुए तो हम इक्वेशन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास दो ही इक्वेशन बनेगी, एक तो हॉरिजॉन्टल फोर्स बैलेंस करने की, एक वर्टिकल फोर्स बैलेंस करने की। तो दो अननोन होंगे, दो वेरिएबल होंगे, सॉल्व हो जाएगा। एक अननोन होगा तो भी सॉल्व हो जाएगा। तीन हो जाएंगे अननोन तो फिर सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो हम जॉइंट इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे सिर्फ दो, एक या दो अननोन हो। ठीक है, चलिए देखते हैं। इफ अ मेंबर पुशेज अ जॉइंट देन द मेंबर इटसेल्फ विल बी इन कंप्रेशन विद द सेम इंटेंसिटी एंड वाइस वर्सा। इफ अ मेंबर पुल्स अ जॉइंट देन द मेंबर इटसेल्फ विल बी इन टेंशन विद द सेम इंटेंसिटी। हाँ, एक चीज और देखते हैं। इफ एट अ जॉइंट थ्री मेंबर्स आर मीटिंग एंड टू आर कोलिनियर देन द फोर्स इन द थर्ड मेंबर इज जीरो। देखिए मान लीजिए ये एक मेंबर है, ये ए बी में एक मेंबर है और ए सी दूसरा मेंबर है, ए डी तीसरा मेंबर है। ए बी एंड ए सी कोलिनियर है, मतलब लाइन ऑफ एक्शन इनका दोनों का सेम है। अब सेम है जब हम पॉइंट पे लगाना चाहेंगे मेथड ऑफ जॉइंट। देखिए जो ए डी का कंपोनेंट है, ठीक है, ये अगर इसका एफ ए बी का लॉन्ग कंपोनेंट लेंगे तो ठीक है, इसका बैलेंसिंग हम देख सकते हैं। बट जब इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट लेंगे, मतलब एफ ए डी साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि इसको बैलेंस करने के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसका मतलब साइन थीटा तो जीरो है नहीं, ये हमें दिख ही रहा है फिगर में, तो डेफिनेटली एफ ए डी ही जीरो होगा। मतलब कोई भी ऐसी सिचुएशन आएगी जिसमें स्ट्रेट लाइन है, बीच में एक जॉइंट देके कोई थर्ड लिंक आपको दे दिया, तो सीधा सीधा मतलब है कि वो थर्ड लिंक में जो फोर्स है वो जीरो आएगा, अनलेस कि इस जॉइंट पे कोई एक और फोर्स ना आ जाए। एक चीज और देखते हैं। इफ एट अ जॉइंट टू मेंबर आर मीटिंग एंड दे आर नॉन कोलिनियर देन द फोर्सेस इन बोथ द मेंबर्स विल बी जीरो। इफ देर इज नो लोड और रिएक्शन एट द पॉइंट, मतलब अगर हवा में ऐसा तुम्हें कोई जॉइंट दिख जाता है बिल्कुल, तो मान लो सीधा सीधा मान लो कि दोनों का ही जो फोर्स है दोनों के अंदर वो जीरो है, दोनों में फोर्स जीरो है। आप जनरल सा आइडिया लगा सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर एंगल इनके बीच में थीटा है तो ए बी का जो कंपोनेंट है वर्टिकल उसको बैलेंस करने के लिए कुछ भी नहीं है, इसका सीधा सा मतलब है कि ए बी जीरो है, और ए बी जीरो है तो डेफिनेटली इसका हॉरिजॉन्टल भी कोई बैलेंस नहीं करेगा तो ये भी जीरो हो जाएगा। तो ऐसा हवा में कोई लटका हुआ पॉइंट दिख जाए तो सीधा सीधा उसको जीरो कर देना। हाँ, कंडीशन ये है कि यहाँ पे कोई सपोर्ट ना लगी हो, सपोर्ट लगी तो डेफिनेटली वहाँ सपोर्ट रिएक्शन आ जाएगा, फिर ये दो मेंबर नहीं बचेंगे, तीसरा सपोर्ट आ गया यहाँ से। नेक्स्ट देखते हैं। मान लीजिए इस टाइप से आपका क्वेश्चन दिया हो, यहाँ पे एक सपोर्ट दी है, यहाँ पे सपोर्ट दी है, यहाँ टू ग्लू यूनिट आपका फोर्स लगा दिया गया है। अगर ये इक्विलिब्रियम ट्राइंगल है या फिर ये दो साइड बराबर है, इसका मतलब दोनों पे बराबर बराबर वेट आ जाएगा। मेथड ऑफ जॉइंट का मतलब ये है, अगर जॉइंट वन को हम ऑब्जर्व करेंगे तो बाकी सारी चीज़ें भूल जाएंगे, बस ये पार्ट ऑब्जर्व करेंगे। नीचे से एक किलोन्यूटन लग रहा है, इधर से कुछ फोर्स है और इधर से कुछ फोर्स है, डायरेक्शन आप जो भी मान लेंगे सॉल्यूशन के बाद, अगर पॉजिटिव आ गया तो आपकी डायरेक्शन ठीक है, और सॉल्यूशन के बाद नेगेटिव आ गया तो आपकी डायरेक्शन गलत है। ठीक है, यहाँ पे लेम्स इक्वेशन लगा देंगे क्योंकि तीन ही फोर्स आ रहे हैं तो डायरेक्टली आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अगर पॉइंट टू पे लगाएं तो बाकी पूरी फिगर भूल जाइए, आप सिर्फ ये जॉइंट ऑब्जर्व करिए, ये जॉइंट ऑब्जर्व करिए, तीन फोर्स आ रहे हैं, लेम्स इक्वेशन लगाएंगे या फिर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल फोर्सेस बैलेंस करेंगे, आंसर आ जाएगा। सिमिलरली आप पॉइंट थ्री पे भी लगाना चाहेंगे, जॉइंट थ्री पे, तो बस यही जॉइंट थ्री ऑब्जर्व करिए, बाकी सारी चीज़ भूल जाइए,
तो आप इस तरह से हमें मेथड ऑफ जॉइंट लगाना है, मतलब एक जॉइंट पकड़ लेना, उसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्सेस बैलेंस कर देने। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द फोर्स इन मेंबर बी डी इन द गिवन ट्रस डायग्राम्स। देखिए पहला क्वेश्चन है, 10 किलोन्यूटन लगा हुआ है और मेंबर बी डी में फोर्स बताना है कितना है। देखिए हमने वो एक प्रिंसिपल पढ़ा था कि अगर ए डी और डी सी कोलिनियर है, और कोलिनियर है तो ये मेंबर जो है इसका जो कंपोनेंट आएगा वर्टिकल, इसका कोई बैलेंस करने वाला है नहीं, तो डेफिनेटली डी जॉइंट की बात करेंगे तो फोर्स इन बी डी जीरो आ जाएगा। क्वेश्चन टू देखते हैं, सिमिलर है, यहाँ पे सिर्फ 10 किलोन्यूटन लगा लिया। अब देखिए ये एकदम परपेंडिकुलर है तो डायरेक्टली इसको बैलेंस करेगा 10 किलोन्यूटन। अगर ये किसी एंगल पे होता तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट 10 किलोन्यूटन को बैलेंस करता है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, वहां भी एक 10 किलोन्यूटन फोर्स लगा दिया, यहां भी लगा दिया। देखिए इसका बी डी पे कोई इफेक्ट आएगा नहीं, क्योंकि जब हम जॉइंट डी को ऑब्जर्व करेंगे तो इस जॉइंट के फोर्सेज बैलेंस करेंगे, तो वर्टिकल फोर्सेस बी डी और 10 किलोमीटर के बैलेंस होगा, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस ए डी एंड डी सी के बैलेंस होगा, तो बी डी डायरेक्टली 10 किलोमीटर आ जाएगा। और देखते हैं थोड़ा सा क्लैरिटी के लिए, अगर ठीक है ये वर्टिकली जॉइंट नहीं है, किसी एंगल पे जॉइंट है, तो भी बी डी में फोर्स जीरो होगा, क्योंकि हमने सिंपल सा पढ़ा है कि अगर दो मेंबर कोलिनियरली जॉइंट है और तीसरा मेंबर किसी एंगल पे है, किसी भी एंगल पे हो, तो उसमें फोर्स जीरो हो गई होगा, क्योंकि इसका भाई वर्टिकल जो कंपोनेंट है उसको बैलेंस करने के लिए कुछ नहीं है यहाँ पे, और बैलेंस करने कुछ लिए नहीं है फिर तो मतलब ये स्टेबल होना ही चाहिए, उठ जाना चाहिए था, बट ये उठ नहीं रहा है, इसका मतलब इसका वर्टिकल कंपोनेंट कुछ भी नहीं है। अब देखते हैं यहाँ अगर 10 किलो न्यूटन फोर्स हमने लगा दिया, अब आपको जॉइंट मेथड यूज हो जाएगा। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल चीज़ें बैलेंस होंगी होंगी देख लेंगे, बट वर्टिकल फोर्स जब हम बैलेंस करेंगे तो एफ बी डी इंटू साइन 60 डिग्री विल बी इक्वल टू 10 किलो न्यूटन। ठीक है, और 10 किलो न्यूटन है, इसके अपोजिट फोर्स आएगा, अपोजिट आएगा मतलब मेंबर जॉइंट को पुल कर रहा है अपनी तरफ, तभी बैलेंस कर पाएगा ना, और जब भी मेंबर जॉइंट को अपनी तरफ पुल करेगा वो टेंशन में होगा मेंबर इटसेल्फ। नेक्स्ट देखते हैं, सेम क्वेश्चन है, बस ऊपर एक और फोर्स लगा दिया। देखिए ऊपर पूरे स्ट्रक्चर में कहीं भी कोई भी फोर्स लग रहा है, इससे फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है कि जो जॉइंट हम जो ऑब्जर्व कर रहे हैं उस पे क्या क्या फोर्सेज लग रहे हैं, ये भी सेम हो जाएगा, एफ बी डी इंटू साइन 60 इक्वल टू 10 किलोन्यूटन। एक क्वेश्चन और देखते हैं, अच्छे से समझ आएगा। फाइंड द फोर्सेज डेवलप्ड इन मेंबर इन द गिवन ट्रस। सारे मेंबर हम निकाल लेते हैं, ये 60 डिग्री एंगल है, 30 डिग्री है, और ऊपर से 20 किलो न्यूटन फोर्स हमने लगा दिया। देखिए पॉइंट बी को पहले ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि इसमें भी तीनों अननोन है, यहाँ से जो रिएक्शन आएगा अननोन है, और यहाँ से जो रिएक्शन आएगा वो भी अननोन है, यहाँ पे एक नोन है और दो अननोन है, इस पॉइंट पे हम लगा सकते हैं, तो सीधा लेंस इक्वेशन लगाएंगे। ये 60 है, ये 30 है, तो ये एंगल 90 हो जाएगा, 90 डिग्री। ये 30 डिग्री है तो इसके एग्जैक्टली यहाँ से ये जो एंगल बनेगा ये हॉरिजॉन्टल के साथ, ये भी 30 होगा क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। 30 प्लस 90 टोटल एंगल 120 डिग्री हो गया, इस तरफ 60 प्लस 90 150 डिग्री हो गया, मतलब कि 20 डिवाइडेड बाय साइन 90 विल बी इक्वल टू एफ ए बी डिवाइडेड बाय साइन 120 इज इक्वल टू एफ बी सी डिवाइडेड बाय साइन 150। सिंपल इक्वेशन है, लेमिस इक्वेशन लगा दी, सॉल्व करेंगे आपका एफ ए बी और बी सी आ जाएगा। अब आप चाहे इस पॉइंट पे लगा लीजिए चाहे इस पॉइंट पे लगा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि आपके पास ये भी नोन है और ये भी नोन है। रिएक्शंस निकालने के लिए आप देखिए इस सी पॉइंट की बात करें तो मेंबर सी पे जो रिएक्शन आएगा वो हॉरिजॉन्टल आएगा नहीं, क्योंकि ये रोलर आपका सपोर्ट है, रोलर सपोर्ट इसका मतलब ये एडजस्ट करेगा हॉरिजॉन्टली, यहाँ हॉरिजॉन्टल रिएक्शन नहीं आएगा, सिर्फ वर्टिकल रिएक्शन आएगा, और वर्टिकल रिएक्शन को आपका एफ बी सी का वर्टिकल कंपोनेंट बैलेंस करेगा, तो आपका रिएक्शन एट सी वर्टिकल डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, एफ बी सी साइन 30 जो कि 5 किलो न्यूटन अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा। ऐसी रिएक्शन अगर आप ए पे निकालेंगे वर्टिकल डायरेक्शन में ए पे रिएक्शन निकालेंगे तो टोटल जो फोर्स डाउनवर्ड है
मतलब वर्टिकल फोर्सेज हम बैलेंस कर रहे हैं, डाउनवर्ड फोर्स 20 है, एक अपवर्ड फोर्स यहाँ पे है 5, तो 20 माइनस 5 15 किलो न्यूटन। बाकी चीज़ें आप इजीली निकाल सकते हैं। पॉइंट ये है आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, स्टार्ट उसी पॉइंट से करना है जहाँ पे आपको सिर्फ दो या एक अननोन है। अगर ए से स्टार्ट करेंगे तो बहुत तीनों अननोन है नहीं निकलेगा, सी से स्टार्ट करेंगे तो भी तीनों अननोन है नहीं निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो फोर्स मेंबर इन द गिवन ट्रस। मतलब कि ये पूरा ट्रस गिवन है, इसमें जीरो मेंबर, जीरो फोर्स किस किस मेंबर में। देखिए पहले ऑब्जर्व करते हैं पॉइंट सी पे। पॉइंट सी हमने इस तरह का अभी तीन चार क्वेश्चन देखे हैं कि जब भी दो मेंबर कोलिनियर होंगे, ए सी एंड सी ई कोलिनियर है, तो थर्ड जो मेंबर होगा ये तो 90 डिग्री पे गिवन है, चाहे किसी भी एंगल पे होता है इसमें जीरो ही होना था। नेक्स्ट हमने देखा था कि अगर हवा में कोई ऐसा जॉइंट बन रहा है दो मेंबर का जिसपे थर्ड कोई ना रिएक्शन लग रहा है ना कोई फोर्स है, तो वो दोनों मेंबर में फोर्स जीरो होगा। ठीक है, और देखते हैं मेंबर बी डी में। बी डी की अगर बात करें तो इस जॉइंट को ऑब्जर्व करते हैं, जॉइंट डी को, इस मेंबर में जीरो फोर्स ऑलरेडी है। इस मेंबर में जो फोर्स आएगा वो 10 किलो न्यूटन को बैलेंस करेगा। मान लेते हैं अगर इसमें कुछ फोर्स है तो उसको बैलेंस कौन करेगा, इधर तो कुछ है नहीं बैलेंसिंग के लिए, तो डेफिनेटली ये भी जीरो होगा। तो टोटल नंबर ऑफ जीरो फोर्स मेंबर कितने हो गए, 1, 2, 3 और 4। आई होप मेथड ऑफ जॉइंट्स का एक बेसिक आइडिया आपको लग गया है। अब आप जितने ट्रसेस के क्वेश्चन करेंगे वो मेथड ऑफ जॉइंट से ट्राई कर सकते हैं। अगले लेक्चर में हम देखते हैं मेथड ऑफ सेक्शन, फिर जो भी क्वेश्चन आप लगाएंगे ट्रसेस पे बेस्ड वो मेथड ऑफ सेक्शन से भी सॉल्व करेंगे और मेथड ऑफ जॉइंट से भी सॉल्व करेंगे और वेरीफाई करेंगे कि आंसर ठीक है या नहीं। स्टे फोकस एंड डू वेल इन एग्जाम।